ऐसा हुआ है जिसमें सुधार हुआ है और लोगों में जागरूकता आई है। और आज बहुत सारी महिलाएं बहुत ज्यादा उचित नेता को नहीं चुनेंगे तब तक वो हमारा विकास नहीं कर सकते। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। देश और राजनीति और खासकर युवाओं के कंधों पर जिम्मेवारी और सत्य बोलने की परंपरा, ये भारत माता की धरती है जहां लोग सत्य बोलते हैं और सत्य का कभी विश्लेषण नहीं हो सकता, इसलिए कि सभी अपने अपने तरीके से सत्य का प्रतीक शब्द बोलते हैं। अगर चोर चोरी करता है तो वह भी कहता है कि नहीं, हम सत्य हैं क्योंकि हम अपने तरीके से चोरी कर रहे हैं। कोई ईमानदार है तो वो कहता है कि हम सत्य बोलते हैं, तो सत्य का विश्लेषण नहीं हो सकता है। लेकिन आप लोग दिल से जरूर जज कर सकते हैं। यह बता दें, यहाँ MRM कॉलेज की छात्रा हैं, एक बार देख लीजिए पूरी तरह, जो अपने दिल की आवाज़, निष्पक्ष आवाज़, ईमानदार आवाज़ और सही तथ्य को, सही बात को आपके समक्ष रखना चाहती है। क्योंकि इस बात को लेकर के आप भी समझें कि अभी देश में और किस चीज़ की आवश्यकता है। आखिर इन युवा लड़कियों के कंधों पर जो भी जिम्मेवारी एक है, इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, क्या इनको पहुंच पाता है, क्या हो रहा है, आज हम विश्लेषण करेंगे। कंप्लीट आधे घंटे का मेरा कार्यक्रम जोर देखिए और इसे YouTube में मिथिला मंच न्यूज को सब्सक्राइब कर शेयर भी कीजिए, ताकि ये सही आवाज़ प्रधानमंत्री और राहुल गांधी या फिर जो देश के वैसे नेता हैं जो देश को विकसित करने की सपना देख रहे हैं उन तक पहुँचे। क्या सबसे पहले तो ये बताइए, दिल से बताइएगा, क्या वास्तव में लोगों को पहले से अपेक्षा भी लाभ मिल रहा है? जी हाँ, बहुत बहुत चीज़ ऐसा हुआ है जिसमें सुधार हुआ है और लोगों में जागरूकता आई है कि पहले जो था कि बोलते हैं ना अंधेर नगरी चौपट राजा, वो वाली स्थिति थी कि हमारे प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं बोलते थे, बाकी का भी कोई कुछ नहीं बोलता था और जो जैसे चल रहा था वो चल रहा था। लेकिन जब से मोदी सरकार आई तो लोगों में चेतना आई कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, उसके प्रति लोगों में एक जागरूकता आई और लोग अधिक सक्षम बने उस चीज़ को समझने में और अपने अधिकारों को वो जानने लगे। और जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा लागू होती हैं वो पूरी तरह तो अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं, लेकिन ज़्यादा हद तक जो पिछले 70 सालों में नहीं पहुँच पाई थी वो भी अब पहुँची हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, क्या लगता है कि जो सरकार की योजनाओं को किस तरह जनता तक पहुंचाया जाए, उसको बताया जाए, क्योंकि 70% लोग अभी भी नहीं मालूम है? ये तो हमारे जनप्रतिनिधि कर सकते हैं, सरकार की योजना जनप्रतिनिधियों को अच्छे से पता होती है, वही कर सकते हैं, वही लोगों को जागरूक कर सकते हैं और हमारे युवा भी ये कर सकते हैं। ये बताइए कि जो सरकार की योजना है उसको किस तरह जनता तक पहुँचाया जाए, अभी तक जानकारी के अभाव में लोगों को लाभ नहीं मिल पाता। जैसे जिन मतलब गांव में ऐसा कोई है जो सरपंच होते हैं या फिर जो मुखिया बनते हैं, उनको सारी बातें ये पता होती है और उनको ही सबको बताना चाहिए, क्योंकि गांव का विकास होगा तो जब तक मुखिया इससे आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक उनके गांव का विकास होगा नहीं। तो जिनके पास जानकारी जाती है सबसे पहले तो उन्हें सबको इन्फॉर्म करना चाहिए कि हाँ, हमारे मतलब गाँव के लिए या फिर शहर के लिए जो भी मतलब जो भी सरकार की तरफ से लाभ मिलता है पहले उनको बताना चाहिए सबको, जो कि हो नहीं पाता है। चल अच्छा, ये मोदी लोग तो करते हैं, लेकिन क्या मोदी की योजनाओं महिलाओं तो आप कैसे विकसन करते हैं गांव से लेकर के शहर तक में? गांव से लेकर शहर तक बहुत ज़्यादा उन्होंने, उनके कारण ही आज महिलाओं में शिक्षा का जो मतलब हम देख रहे हैं, शिक्षा का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और आज बहुत सारी महिलाएँ बहुत ज़्यादा ऊँचाई पर जा रही हैं, तो ये सब उनके सरकार में आने के बाद हुआ है। शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रसार, क्या पहले नहीं होता था? पहले भी नहीं, तो पहले भी काम होता था, थी। लेकिन इस तरह से खुल के नहीं, लोग लड़कियाँ स्टैंड नहीं लेती थी ऐसे शिक्षा के लिए, मतलब फैमिली भी सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन आजकल बहुत कुछ हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है, शिक्षा में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। महिलाओं को आरक्षण पहले भी मिलते रहे हैं, चाहे जनप्रतिनिधि के मामलों में या फिर क्या आरक्षण का सही लाभ मिला? बहुत महिलाएं ऐसी थी जो आज मुखिया बनी है लेकिन उनको जानकारी नहीं है, उनको अंगूठा छाप कहा जाता है आज भी, तो कैसे विकास के इस पर क्या होना चाहिए? उसके लिए एजुकेशन हाँ, उसके लिए एजुकेशन का भी होना जरूरी है। हम अब मतलब अशिक्षित को बना देंगे, उनको अपने राइट का ही नहीं पता होगा, अधिकार का ही नहीं पता होगा, तो वो हम तक मतलब पहुंचने ही नहीं देंगे और बता भी नहीं पाए, उसका विश्लेषण ही नहीं कर पाएंगे, तो हम कैसे मतलब वो हमारे लिए काम कर पाएंगे। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस शिक्षा को देना चाहिए। जब तक हम शिक्षित नेता को नहीं चुनेंगे तब तक वो हमारा विकास नहीं करते, वो हमारे शिक्षा को महत्व दे ही नहीं सकते। शिक्षित होना अलग है लेकिन समझदार होना अलग है। ऐसा नेता होना चाहिए जो समझदार हो, जो हमारी समस्या को समझ सके। आरक्षण मिला है स्त्रियों को,
पर सबसे पहले हमको खुद से मजबूत होना, क्या लगता है कि आरक्षण के साथ क्वालिफिकेशन भी आवश्यक होना चाहिए ताकि जो ग्रेजुएशन हो वो समझ सके कि कौन सी योजना कैसे है, कैसे सीखें, उनके पति या फिर उसके दलाल साइन करवा लेते हैं अभी भी महिला मुखिया क्या? तो उनका सबसे पहले तो उनका घर का दबाव होता है, इसलिए स्त्रियों को सबसे पहले अपने मजबूत होना पड़ेगा। उनके घर का दबाव होता है, समाज का दबाव होता है, तो इसके लिए सबसे पहले महिलाओं को खुद से मजबूत होना पड़ेगा। क्या लगता है जी, इसी महिलाओं जो जनप्रतिनिधि महिला जो अशिक्षित बन जा रही हैं, आज गांव में विकास रुका है बस उन्हीं वजह से, किस तरह उनका हो, सरकार क्या नियम निकाली इस बारे में? जी देखिए, ये तो एक युवा लोग भी कर सकते हैं, और जो मतलब मुखिया सरपंच है वही सब जन जन तक पहुँचाएंगे, तभी सबको पता चल पाएगा कि हमको क्या सुविधा मिलनी चाहिए या मतलब हमारे गांव में कौन सी सुविधा आई हुई है जो हमें जानकारी नहीं है, वो देंगे तभी हम समझ पाएंगे, तभी हम लाभ उठा पाएंगे सरकारी मुहिम का। क्या इस संबंध में सरकार को क्या नियम निकालना चाहिए ताकि जो शिक्षित महिला है वो जनप्रतिनिधि बने, उन्हें मालूम होना चाहिए कितना योजना आ रहा है, कितने योजना में कितने पैसे आ रहे हैं, इस वजह से आज सही लाभ नहीं मिल पा रहा। मतलब छोटे छोटे पदों से लेकर के जो बड़े बड़े लोग हैं सभी को ये योजना मतलब जहाँ जहाँ जो लोग अशिक्षित हैं जिन्हें नहीं पता है नहीं मालूम है वहाँ तक पहुँचाना चाहिए ताकि उन्हें भी वो लाभ हो, और उन्हें भी शिक्षित पहले बनना चाहिए और खुद में मजबूती लाना चाहिए ताकि आगे वो भी इस जो भी योजनाएँ निकलती है वो आगे तक पहुँचा सके या दे सके। हम बता दें सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि 50% महिलाओं को आरक्षण मिला है, लेकिन वास्तव में क्या महिला का आरक्षण सही हाथों में गया? क्या ये महिला शिक्षित हैं? क्या जो सरकारी जॉब में जो महिलाएं हैं, आज भी देखिए कई महिलाएं CDPO बन गई हैं, BDO बन गई हैं, लेकिन आज भी उनको जानकारी नहीं होता कि आखिर किस तरह हैं। तो सवाल ये है कि वैसी महिलाएं जो आरक्षण को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि आरक्षण पर महिलाएं जनप्रतिनिधि बन रही कई, लेकिन बाद में आप ही लोगों को परेशानी होती है, लगता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, जातिवाद क्या लोग, लेकिन लेकिन शिक्षा शिक्षित की बात होगी, क्या सही बात है किसी तरह आरक्षण मिल जाए और महिलाएं बन गई पोस्ट मिल गया तो? नहीं, वो नहीं होना चाहिए, शिक्षा के आधार पर मिलना चाहिए, शिक्षा सबसे जरूरी। तो चलिए बता दें क्वालिफिकेशन, ये महिलाएं ये लड़कियां जो दिन रात मेहनत कर कॉलेज आती हैं और ये क्लास करती हैं, अपने माता पिता की आशाओं पर खड़ा उतरने का प्रयास करती है, तो ये महिला एक वो हैं, और ये गांव में जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने अशिक्षित घर के महिलाओं को, जब पुरुष का हट जाता है वहाँ से पद, तो अपने घर के अशिक्षित महिलाओं को मुखिया बना देते हैं, कभी उसको सरपंच बना देते हैं, और यहीं से शुरू होता है लूट का खेल, भ्रष्टाचार का खेल शुरू होता है। इसके अलावा वहीं से जो गरीब लोग हैं उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। आज भी अगर कहें तो जनधन योजना, इसके अलावा उज्ज्वला योजना का लाभ बहुत महिलाओं को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्हें चक्कर काटना पड़ रहा है कई जगहों पर, तो कई महिलाओं को मिला है। अगर मुखिया सक्षम हो, पढ़ी लिखी हो, तो एक महिलाओं में एक चीज़ समझ में आता है, क्या महिलाओं के लिए रोजगार की बात अगर हम करें तो सभी कहते हैं कि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर खुल गए हैं, क्या लगता है कि वास्तव में अभी 4 साल में ही महिलाओं के आरक्षण खुल गए या अभी और किसके क्षेत्र में होना चाहिए? अभी मतलब पहले भी थे लेकिन अभी कुछ ज़्यादा हुए हैं महिलाओं के अधिकार। तो ये रोजगार के लिए क्या सपना आप क्या देखते हैं, क्या खासकर इस समय जो हमारे लिए कुछ नया हो? तो हमारे लिए कुछ नया हम तो सपना देखते हैं, बस पूरा हो तभी तो। बिहार में क्या लगता है रोजगार के साधन? बिहार सरकार 33% आरक्षण दे रही है लड़कियों के जॉब के लिए, उसी तरह केंद्र सरकार को भी महिलाओं के 33% कम से कम देना चाहिए, ताकि मतलब सिर्फ बिहार में नहीं बिहार से भी आगे जो हो तो सारी महिलाएं उसका लाभ उठा सकें, क्योंकि सिर्फ बिहार सरकार ही इसका आरक्षण दे रही है, बाकी केंद्र सरकार तो दे नहीं रही है, तो केंद्र सरकार को भी महिलाओं के लिए कुछ आरक्षण देना चाहिए। ये बताइए, बहुत समस्या होती है, अभी छात्रवृत्ति की बात करें, आखिर सरकार की इन्हीं कारणों से बदनामी भी होती है कई जगह, अभी 12,000 में कई जगह बोलते हैं कि कमीशन लिए गए, 2,000 रुपया कमीशन तक ले गए थे, तो छात्रवृत्ति का पैसा आप लोगों को मिला नहीं लेकिन उस पैसा भुना लिए जाते हैं, कई का चेक वापस हो गया, तो क्या लगता है कि इस सब के लिए कौन सी संस्था काम करे जो सही बात को रखे? इसके लिए स्कूल के लिए जो कर्मचारी है उसका सहयोग ज़्यादा रहना चाहिए स्टूडेंट के साथ, और
क्या लगता है ये जो महिला, देखिए रोजगार के लिए जो मतलब आए दिन पेपर में आता है कि अगर इसकी सरकार बनी तो वो 72,000 सालाना देगा, इसकी सरकार बनी तो वो उसको इतना सालाना देगा, लेकिन ये रुपया देके होगा क्या? आज है, आज ये पैसा मिला तो खत्म हो गया, वो भी हाथ में 72,000 सालाना तो है लेकिन उसके हाथ पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये भी है कि ये सालाना रुपया देने से अच्छा है कि रोजगार दे सरकार, रोजगार है तो पैरों पे खड़ा होगा तो मतलब अपना राज्य भी ऊपर उठेगा, इससे देश ऊपर उठेगा। ये सालाना पैसा देने से कुछ नहीं होने वाला, देना है तो रोजगार दो। आए दिन है क्या क्या कहते हैं वो ये एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, कोई भी ये वैकेंसी आती है तो उसमें क्या होता है कि आए दिन पकड़ा रहा है, रैकेट सब पकड़ा रहा है, लेकिन होता क्या उससे आगे कुछ नहीं होता, बस पकड़ाया जा रहा है। जिसके पास पैसा है वो पैसा दे के अपना जॉब पा रहा है, जिसके पास नहीं है वो मेहनत करके भी पीछे है। तो इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि ये पैसा ना बांटे, रोजगार दे और जो रैकेट पकड़ा रहा है उस पर कार्रवाई करे सरकार। अच्छा एक सवाल महत्वपूर्ण और भी है जिस पर आवश्यकता है आप लोगों को चर्चा करने की, क्योंकि आप लोगों के कंधों पर भी जिम्मेवारी है देश की। ये जो 72,000 रुपये की बात आ जाती है, कभी कभी किसानों के सारे ऋण माफ़ कर देने की बात हो जाती है, कभी कभी कोई व्यवसायी के सारे ऋण माफ़ हो जाते हैं, कभी व्यवसायी अपने आप को कंगाल घोषित कर देता है और उसके बाद उसके, इससे क्या लगता है कि आलस्यपन और हमारे मन में चोर कहीं ना कहीं आता है क्या? इस तरह ये ठीक है किसी को 72,000 रुपया आप कोई काम नहीं कीजिए, 72,000 रुपया मिल जाएगा, अनाज मिल जाएगा, ये बस लोगों को एक क्या बोलते हैं बैसाखी थमाने की तरह है, उनको सक्षम नहीं बनाया जा रहा है, उनको रोजगार दे के आप उसको सक्षम नहीं बल्कि उनको आप बैसाखी देने की बात कर रहे हो शुरू से ही कि हम आपको ये 72,000 रुपये देंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी सरकार हो चाहे कोई भी हमारा प्रतिनिधि हो उसका इस तरह का ये शोभा नहीं देता है कि आप किसी को रोजगार देने की बात नहीं करते हो, किसी को शिक्षित करने की बात नहीं करते हो, आप उसको एक बैसाखी थमा रहे हो और ये हमारे समाज को कहीं ना कहीं खोखला कर देगा। क्या लगता है इस तरह के किसी को पैसा दे दिया जाए और आपका ऋण माफ कर दिया जाए, व्यवसाय में बड़े बड़े नीरज मोदी इस तरफ पैसे लेके भाग गए तो क्या लगता है? ये पूरे गलत है, ये सब कारनामों पे बहुत रोकना चाहिए, बहुत खराब बात हो रहा है, ये सब हटाना चाहिए। चलिए अंतिम सवाल और हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या दो बात हो रही है देश को, एक कह रहा है कि दिग्भ्रमित किया जा रहा है, एक कह रहा है कि देश का भी मुद्दा है देशभक्ति का, तो अभी चुनाव में पहला मुद्दा क्या होना चाहिए ये बताइए कि जिसको लेकर के आप वोट डालेंगे। मैं आप लोग कहते हैं पहली बार वोट डालेंगे या फिर इससे पहले जा चुके हैं? फर्स्ट टाइम डाल देंगे। ये बता दें ये सारे पहली बार, हमने स्टेशन पर भी मुलाकात हुई थी, पहली बार ये देख लीजिए एक बार ये लड़कियाँ पहली बार वोट डालेंगी और पहली बार प्रजातंत्र में दिए हुए अपने अधिकार का प्रयोग करेगी और ये प्रयोग कितना सफल होगा वो आत्मविश्लेषण करेगी क्योंकि किसी के कहने पर वोट नहीं डालना है। तो क्या लगता है कि आप कौन सा एक ऐसा मुद्दा होगा जिस पर आप वोट डालेंगे और किसको डालेंगे? देखिए हम लोग के लिए हमारे मतलब लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम शुरू किया या लागू किया वो मोदी जी ने ही किया है, इसलिए हम लोग तो मोदी जी को ही देंगे। क्या? हाँ मोदी जी को ही देंगे। क्यों? एक छोटा कारण बता दीजिए। छोटा क्या, बहुत बड़ा? क्या किस मुद्दे पर आप वोट डालेंगे? देश का विकास बहुत ज्यादा हुआ है इस मुद्दे पे। आप किस मुद्दे पर डालेंगे? देशभक्ति, विकास? विकास के मुद्दे पे, देशभक्ति और विकास दोनों ही महत्वपूर्ण है और मोदी को ही हम वोट डालेंगे। पहली बार वोट डालेगा वही मोदी को डालेगा? मोदी। चलिए आप क्या बताइए, आप ही मोदी ही? मोदी मोदी और सिर्फ मोदी और कोई नहीं होता। क्यों 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 क्यों? क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं, बहुत कुछ किया है जो 70 सालों में सबको मिलना चाहिए, जो 70 सालों में कांग्रेस ने की वो बीजेपी कर रही है। पहले के परचम तो मिल जाता है जो उसमें छटा जाते हैं, क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सबको मिलना चाहिए, कोई भी नहीं। क्या मोदी? आप ही मोदी? एक भी राहुल नहीं? नहीं, राहुल भी तो नेता है, राहुल भी तो नेता है। कैसे समझे आप उसको? आप मौका तो दीजिए एक बार उसको, एक बार तो मौका दीजिए उसको, दिखा दिए एक बार मौका दीजिए, एक बार राहुल गांधी को मौका दे सकते हैं। 70 साल खा गया, मोदी होगा, मोदी होगा। क्या लगता है? मोदी के अलावा अगर हमारे पास कोई बेस्ट ऑप्शन हो तो हम जरूर उसको दें, पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उससे बेस्ट ऑप्शन कोई है ही नहीं, इसलिए मोदी को देना पड़ जरूरी समझते हैं। एक बार राहुल को देख के देख,
सकते हैं सर, अभी जिस लेवल पे हमारा कंट्री है वहाँ रिस्क नहीं ले सकते की भावना आपके अंदर जाके सालों के बाद देशभक्ति की योजना ये क्यों जान यही तो मोदी है यही तो करा मोदी है जो मोदी देशभक्ति की भावना को जगा करके वोट लेना चाहता है देशभक्ति उन्होंने देश का विकास किया है बहुत ज्यादा विकास किया इसके लिए वो उसके लायक हैं डिजर्व करते हैं। तो चलिए हम बता दें मोदी में आज हम कई जगह जो पहले वोटर हैं और वो जो पहली बार वोट डालेंगे और प्रजातंत्र ने जो अधिकार दिया है इन्होंने कहा है कि मोदी को ही डालेंगे। सवाल है कि लड़कियों के अंदर भी इतनी प्रेरणा क्यों है, क्यों देशभक्ति की भावना अब जगी है? ये तो सोचना ही पड़ेगा कि देश से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हो सकता है कि देश से कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। देश का मुद्दा सबसे अहम है। और हम बता दें गांव में जाकर के देखें, गांव में भी अगर उज्ज्वला योजना के कारण गरीब और अशिक्षित महिला कहती है कि मोदी मोदी, इसके अलावा आप भी देखिए यहाँ तक विरोधी भी कहते हैं कुछ से कुछ तो विकास हुआ, लेकिन उनकी परंपरा है विरोध करने का तो विरोध करें। सभी को देना चाहिए, नहीं तो किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि सब स्टूडेंट्स बराबर के होते हैं, सभी पढ़ते हैं, वो मतलब दूसरे पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, ये तो नहीं होता है जो कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन आरक्षण किसको मिलता है? दूसरे सबको मिल जाता है और जनरल को कभी नहीं मिलता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा नेता आना चाहिए, या तो आरक्षण को हटा दे या तो सभी को आरक्षण दे, क्योंकि सभी विद्यार्थी सेम पढ़ते हैं, वो भी स्कूल जाते हैं हम भी स्कूल जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम मोदी जी से एक ही बात कहना चाहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, योजना सब देखे जैसे कि उज्ज्वल योजना, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने दी, बस उस पर ध्यान दें, क्योंकि कर्मचारी जो बीच में होते हैं वही लेके गप्त हो जाते हैं, गरीब तक पहुंच नहीं पाती है, तो उस चीज़ पे ध्यान दें मोदी जी, और वोट तो आप ही के लिए है। आरक्षण 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 और आरक्षण के लिए हम कहना चाहेंगे या तो सबको दे या तो नहीं हटा दे, सिंपल। क्या बोले थे आप? आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए, जातिवाद के आधार पर नहीं, और महिलाओं को मिल रही है आरक्षण तो हर एक महिला को मिलना चाहिए, ये नहीं कि मतलब जनरल वाले को कुछ नहीं मिल रहा है। और आरक्षण शिक्षा के क्षेत्र में मिलना चाहिए कि अब की आती है या किसी ऐसे स्थान की आती है जहाँ आरक्षण पे लोग जाएंगे तो वहाँ पे कुछ गलत हो सकता है, ऐसे जगहों पे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण का लाभ हो उसका दुरुपयोग ना हो इसका ध्यान रखा जाए। देखिए अभी जैसे कि रेलवे का एनटीपीसी का फॉर्म निकला है तो वो तो सबके लिए निकला है, तो उसी में क्या है जो एस सी एस टी जो भी हैं उन लोग को आरक्षण दिया गया है, वो लोग जाने आने का खर्चा भी उठा रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र लगा दिया गया है और जाने आने का भी किराया नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग वही फॉर्म जनरल भरे हैं तो उन लोग को किराया लग रहा है। आर्थिक आधार पर आरक्षण तो अब लागू हो रहा है ना, उस पर तो फायदा तो सबको है, वो तो स्वर्ण के लिए ना, स्वर्ण के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण बस सवर्ण को मिल रहा है ना कि SC ST या फिर आरक्षण की जरूरत है क्या? लालू यादव को आरक्षण की जरूरत है क्या? तो ऐसे जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, अगर आर्थिक आधार पे है तो सबके लिए आर्थिक आधार पे होना चाहिए। मोदी तो करवा देगा, ऐसे लोगों को करवा देगा नाम उसमें से। हम लोगों को जरूर है कि आने वाली सरकार जो भी आए वो आरक्षण पे इस क्षेत्र में काम करे कि आर्थिक आधार पे आरक्षण लागू करे और सबके लिए, और शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि बिहार की स्थिति अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं, 12th का रिजल्ट आया है, क्या अचानक से हमारी स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि रिजल्ट इतने अच्छे आने लगे हैं? ये कुछ नहीं है, बस चुनावी चौंचला है, क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है तो हम अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं और समय पे रिजल्ट दे रहे हैं, अगर हम समय पर देने में सक्षम थे तो इससे पहले भी क्यों नहीं दे रहे थे? तो इस तरह का जो भी मुद्दा होता है, रिजल्ट हो या फिर शिक्षा की बात हो, वो हमेशा होनी चाहिए, ना कि बस चुनाव के टाइम पे। वही अभी 2019 है तो कितना अच्छा रिजल्ट है, वही 2020 में आएगा तो देख लीजिएगा कितना बिहार से निकलेगा, तो हम लोग बिहार को बदनाम किया जाएगा। शिक्षा में सुधार करें और जो करे सबके लिए करे, उनके लिए सब बराबर है, मतलब जाति पे नहीं जाना चाहिए और आर्थिक पे यदि उनको कुछ करना है तो करना चाहिए। निश्चित तौर पर अपने दिल को टटोलिए और फिर अपना महत्वपूर्ण वोट के लिए बटन दबाएं। धन्यवाद। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट मिसरटोला दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। विपरीत परिस्थिति में पारस ने बचाई हजारों मरीजों की जान। एक बार फिर पारस हॉस्पिटल के द्वारा मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन।
रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। डॉन बॉस्को स्कूल, बीपी पाकर, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, कमजोर बच्चों के लिए अलग से देखभाल की व्यवस्था, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, यातायात की सुविधा, विकलांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा।